नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत पाकिस्तान से पुलवामा हमले का बदला ले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के हमले में शहीद हुए जवान राजेश यादव के घर उस वक्त खुशियों में झूम उठा जब उनकी विधवा पत्नी श्वेता यादव ने एक निजी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर श्वेता ने कहा कि वो बेटे को सेना में भेजेंगी और वो पाकिस्तान से अपने पिता की शहादत का बदला लेंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले जवान राजेश यादव 5 दिसंबर 2018 को पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी। पति के शहीद होने के गम के बावजूद उन्होंने कोक्स में पहले जन्म बच्चे को दिया। उनका बच्चा अभी स्वस्थ है। बेटे को देखकर श्वेता बहुत खुश है और उनकी खुशी का कारण यह है कि अब उनके बेटे भारतीय सेना में बनना चाहते हैं। श्वेता के पति शहीद होने के बहुत दुख है, लेकिन अभी भी देशभक्ति का जज्बा इनके अंदर है और वो अपने बेटे को फौज में भेजने को बात कह रहे हैं। वही शहीद के पिता नेम सिंह का कहना है कि मैंने देश के लिए अपने बेटे को खो दिया, लेकिन नाती के रूप में उनका बेटा फिर आ गया। वह उसे बेटे से भी बढ़कर पालेंगे और सेना में भेजेंगे। मालूम हो कि राजेश अपने माँ बाप की एक लौती औलाद था। उनके शहीद होने पर पूरा परिवार गर्व महसूस करता है। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में बेटे को शहादत का फिर ताज कर लिया। उनकी मांग है कि सेना पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाए। PM News 24 की रिपोर्ट।